ये जहाँ खाने जाते हैं इनके ऊपर ये बर्ड बड़े बड़े अटैक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि भैंसों की चाय हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यार मैं जैसे सुबह आया बर्ड्स, मैंने मुस्तफ़ा को बोला कि आप खोल दो बर्ड्स, और मुस्तफ़ा ने बर्ड्स खोल दिए। बर्ड्स खोलने के साथ मुस्तफ़ा ने इनको चावल दे दिए, सबको चावल, मैंने मिक्स दाना देता। तो ये देखो इनको चावल दे दिए, ये तो बड़े शौक से खा रहे हैं, लेकिन ज्यादा चावल इनके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो मैं मिक्स दाने मैंने चावल देता रहता हूँ, तो वो सही रहता है, उसमें सब दाना मिक्स होता है, तो वो शौक से खाते हैं। यार वो देखो खा भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। खाओ तो सुकून से तो खाओ, इस तरह तो ना खाओ, लड़ लड़ के तो ना खाओ। खाते भी रहते हो, लड़ते भी रहते हो, फिर खाते हो, फिर लड़ते हो, फिर खाते हो, फिर लड़ते हो, बस इनका यही काम है, खाना लड़ना, खाना लड़ना। लड़ा नहीं करो यार। तो ऐसा करता हूँ मैंने मिक्स दाना वो दे देता हूँ अभी, चावल उसी में मिक्स करके फिर मैंने दे देता हूँ। दिन में सिर्फ दो टाइम मैंने फीड देता हूँ, एक सुबह में एक शाम में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इन्हें फीड देना। ओ यार बज्जीज कहाँ पर है? बज्जीज उन्होंने बाहर नहीं निकाले, तो चलो बज्जीज को भी निकाल के धूप में रखते हैं। ये बाहर आ गए यार, जैसे ही बाहर आए ये भी बात करना स्टार्ट हो गए, तो इन्हें मैं इधर धूप में रख देता हूँ। तुम इधर धूप में बैठ जाओ, अभी देखो खुश हो रहे हैं। ये देखो जैसे धूप को देखा खुश होने लग गए। मैंने हैंड टैम करने की कोशिश करता हूँ यार, डर रहे हैं, अटैक ना कर दें यार मुझ पर। चलो अभी अभी ये बाहर निकले, तो अभी ने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, धूप लेने देते हैं और साथ में इन्हें हम पानी भी देते हैं, फीड भी देते हैं। यार हमारे पिजन्स देखो, आज तुम लोग क्यों ऐसे चुपचाप खड़े हो सोच सोच? और ये देखो ये यहाँ पर अलग है और ये यहाँ पर है। साथ में जाओ यार, साथ में घूमो, मैं उसको ले आता हूँ यार। चलो वहाँ जाओ, साथ में घूमो, चलो 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 चलो। यार इनके पर कटे हुए हैं अभी, ये दो है ना, तो इस वजह से ये डरते रहते हैं। अभी इनके लिए और पार्टनर ले आएंगे इन पिजन्स के लिए, ताकि ये खुश रहें। वो देखो कैसे देख रहे हैं पिजन्स को। यार पानी दे देते निकाल के, अभी देखो पानी पीना स्टार्ट हो गए। प्यास लगी थी यार इन्हें, चलो पियो पियो शौक से पियो। कहाँ भाग गए? पियो यार पानी पियो। यार मिनी खोज एक जगह टिक कर खाती नहीं, कभी यहाँ खाती है, कभी वहाँ खाती है, फिर कभी यहाँ खाती है, एक जगह नहीं, ये खाने देते ही नहीं। वो इस वजह से कि ये जहाँ खाने जाते हैं इनके ऊपर ये बर्ड बड़े बड़े अटैक कर देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? क्या हो गया बताओ, क्या होगा? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं क्यों चिल्ला रहे, मुझे बताए नहीं, शायद मुझसे नाराज है। ओहो यार इसको क्या हुआ, ये क्यों ऐसे चल रहा है? पकड़ के देखते हैं। ओहो इसके तो बाल फंस गए, तो अभी यार ये बाल निकालते हैं, फिर इसको छोड़ेंगे इसकी मॉम के साथ। अभी तुम सही से घूमोगे, पहले तुम सही से नहीं घूम पा रहे थे, अभी देखना अभी कैसे घूमेगा। ये गया यार, तुम उदास क्यों खड़े हो मुझे बताओ, उदास किस लिए खड़े हो आज? यार ये मुर्गा बड़ा तहमुल से खा रहा है, किसी के साथ लड़ नहीं रहा, आज बड़ी इज्जत के साथ खा रहे हो। हाँ भाई क्या हो गया, इज्जत के साथ आज खा रहे हो और खाने दे रहे हो सबको? लो भाई फिर उसको, फिर उसके साथ मसला स्टार्ट हो गया, फिर अब वो मार रही है सबको। क्या है तुम दोनों को, तुम सुधर गए तो अभी वो बिगड़ गई, फिर वो सुधर जाएगी तुम बिगड़ जाओगी। हमारे ही राजा देखो यार, ये उदास उदास खड़े रहते हैं, बस ये अपनी मगन में घूम रहते, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, बस अपनी मर्जी में ही लगे रहते हैं। हीर राजा बस ये बस कहते हैं प्राइवेसी दो, हीर राजा में कहते प्राइवेसी दो। भाई दी तुम लोगों को प्राइवेसी, अब देखो सारे बर्ड्स यहाँ पर हैं और हीर राजा वहाँ कोने में। सारे बर्ड्स को हम यहाँ पर लाते हैं, फिर इनके लिए लाए हम कुत्तर, सारे बर्ड्स को देंगे। मुस्तफ़ा इस मुर्गी को भी नीचे ले आओ। सब कैसे आएंगे? सब आ जाओ, सब आ जाओ। ये हमारी ही रांझा को भी देते हैं कुत्तर। यार ये शौक से खाते हैं हमारे बर्ड्स, मैंने सबको दे दिया, अब ये खा रहे हैं। रांझा भी खा रहे हैं, पहले नहीं खा रहे थे अब खा रहे हैं। नहीं ये मुस्तफ़ा क्यों बोला कि थोड़ी सी कुतर उठा के उन पिजन्स को भी डाल के आओ, जाओ उनको भी डाल के आओ, यहाँ से हटाओ अंदर डाल दो बस।
अभी ये भी खाएंगे, बस अभी सुकून से ये खाएंगे। इसके लिए भी यार ले आओ, वो भी मुंह देख रहे हैं, उनके लिए तुम्हारे लिए भी ले आते हैं यार। यहाँ रखो, अभी ये भी खा लेंगे, हमारे बजीज भी देख रहे हैं, अभी खाने जाएंगे। वो देखो, देख कैसे रहे वो देखो, चली गई या चला गया, मुझे पता ही नहीं चलता कि इनमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, नर कौन सा है, मादी कौन सी है। वो देखो किस तरह शौक से खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने डेयरी फार्म में, और मुस्तफ़ा के तुम लोग काम चेक करो। ये देखो, ये इन बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, देखो इनका कद देखो और मुस्तफ़ा का कद देखो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल फ़र्क ही कोई नहीं। चलो आओ मुस्तफ़ा, तुम्हें भी इनके साथ बांधूँ मैं। घर है नहीं, मुझे नहीं बांधो। ये फीमेल है, दोनों ही फीमेल हैं, दोनों ही फीमेल। यार ये टांग बाहर निकाल के खाओ, इस तरह नहीं खाते, बड़ी वजनी है यार, इस तरह नहीं खाते, अच्छे बच्चों की तरह खाते हैं। किसकी तरह? अच्छे बच्चों की तरह, इस तरह नहीं खाते। अच्छे बच्चों की तरह खाओगे अच्छे बन जाओगे, बुरे बच्चों की तरह खाओगे बुरे बन जाओगे। दोस्तों मुझे इन बछड़ों से ये वाले बड़े लग रहे हैं, ये देखो मुझे ये वाले बड़े लग रहे हैं, और ये छोटे से इत्तू से, और इसके सर पे देखो सफ़ेद दाग ने इसके है। भैंसों के काम देखो, फंस गई यार, इस तरह ये फंस जाएंगी, हटो, फिर इस तरह फंस जाती हैं, ये इस तरह फंस जाती हैं, जैसे उस दिन व्लॉग में मैंने दिखाया कि देखो किस तरह फंस जाती है, फिर मुश्किल से जान छोड़ती हैं एक दूसरे की। तो अभी मैंने जल्दी से इसको हटा दिया, कैसा ना हो कि सींग अपना फंसा ले जंजीर में, तो फिर मसला बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि भैंसों की चुआई हो चुकी है, बिल्कुल चुआई हो चुकी है सबकी, सिर्फ अभी गाय की चुआई रहती है जो 4-5 ऑलमोस्ट उनकी भी चुआई हो चुकी है, सिर्फ 2-3 रहती है गाय जिनकी चुआई अभी रहती है। और देखो उन चुआई अभी लास्ट स्टेज पे है, आखिरी सांसों में चल रही है। हमारी मुर्गियां इधर घूमती रहती थी इस पूरे डेयरी फार्म में, जब ये इस खाते में भैंसें नहीं होती थी, तो अब जैसे वो भैंसें आ गई हमने अपनी मुर्गियां घर ले गए, वरना अमूमन वो इधर ही होती थी, खुली रहती थी इस टाइम तक, यहाँ पर घूम रही होती थी। तो अब तो वो घर ही होंगी, अब आपको घर से ही हम आपको उनकी अपडेट करते रहेंगे रोज़, और आप रोज़ सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, डिसलाइक ना करना, लाइक करते रहना हर वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, बोलो मुस्तफ़ा कर देना। चलो यार मेरा दिल ना से इस बच्चे का दिल रख लो, फिर ही सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों आज के हम वीडियो इधर ही एंड करते हैं, होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे एंड मुस्तफ़ा करेगा। लाइक और सब्सक्राइब और करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।